दुनिया भर में कोरोना महामारी से बड़े पैमाने पर हो रही तबाही के बीच रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोविड 19 से निपटने के लिए तैयार की गई रूसी वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित पाई गई है। सीमित संख्या में लोगों पर किए गए टेस्ट में ये वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में सफल रही है। मेडिकल जर्नल लेसेंट ने रूस के कई वैज्ञानिकों के परीक्षणों के आधार पर एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि शुरुआत में 76 लोगों पर रूसी वैक्सीन का टेस्ट किया गया, जो कि पूरी तरह सफल रहा। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि वैक्सीन की खुराक देने के बाद 42 दिनों तक इन लोगों पर नजर रखी गई। इस दौरान किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि 21 दिन के भीतर ही लोगों में एंटीबॉडीज पैदा हो गए। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि स्पुतनिक वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित साबित करने के लिए और ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत है। रूस ने पिछले महीने ही कहा था कि उसने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है और कई लोगों को इसके टीके भी लगाए गए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी को भी वैक्सीन दिया गया है। हालांकि रूस के बाहर कई देशों में इस दावे को संदेह की नजर से देखा गया। खासतौर पर पश्चिमी देशों के कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि रूस जल्दबाजी कर रहा है।